उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत भीड़ाबड़ और आसपास के गांवों में ग्रामीण जनों ने अपनी फसल का बीमा नहीं मिला है। किसानों ने समय पर अपनी बीमे की प्रीमियम राशि जमा की थी और सारे दस्तावेज भी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए थे और फसल बीमा कराया गया, मगर जमीन हकीकत में किसानों को बीमे का लाभ नहीं मिल सका है, जिसके किसान बेहद परेशान हैं। भीड़ाबड़ गांव के ग्रामीणों और आसपास के ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय पहुँच कर लिखित में शिकायत की और समस्या बताई कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि उन्हें एक फसल एक बीमा राशि उपलब्ध कराई जाए और पीड़ित परिवार किसानों की मदद की जाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। किसान अपनी फसल का बीमा इसलिए करवाता है ताकि उसका नुकसान की भरपाई हो सके। आप लोग ने करवाया था, कब बीमा करवाया था और यह बीमा या राशि क्यों नहीं मिली और क्या अड़चनें आ रही हैं? सर जी, हमने वर्ष 19-20 का जो बीमा करवाया था और पिछले साल 20 में लगातार बारिश से हमारी सब सोयाबीन सड़ गई थी और उत्पादन इतना आया कि हमारे जो खर्च थे वो भी नहीं निकले उसमें। 50 किलो से लेकर 1.5 क्विंटल ऐसा, और बीमा अभी तक हमको नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश शासन के जो भी कर रहे हैं, तो आपकी जो सोसाइटी वगैरह हैं, जो संस्थाएं हैं यहाँ से, तो आप लोगों ने वहाँ संपर्क नहीं करा, वहाँ आपने पूछा नहीं, जाना नहीं क्या? अब उनका ये कहना है कि भाई हमारी जो कार्रवाई हम कर चुके हैं, अभी ये मध्य प्रदेश शासन और जिला लेवल की बात है तो अधिकारियों से चर्चा करें, पर अभी तक हमने कई बार चर्चा भी करी पर ऐसा कोई हल निकला नहीं है। दूसरी बात यह है कि खैर बीमा लेट हुआ है तो मानते हैं, पर मध्य प्रदेश शासन ने जो सहयोग राशि या जिसको हम बोलते हैं कि सहायता राशि जो वितरण की थी, वो भी हमको इस गांव को और आसपास के लोगों को अभी तक नहीं मिली है। कितने गांव आते हैं इधर आपके? इधर दक्षिण में कम से कम 25-30 गाँव है हमारे बड़नगर तहसील के, उनको किसी को भी अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है, तो शासन को वो भी देना चाहिए। दादा बताइए, यह कौन सा गांव है और कब से आप लोगों को बीमा प्रीमियम आपकी राशि नहीं मिली, क्या हो रहा है? ये ब्लॉक क्रमांक 3 है। अच्छा, इसमें अभी तक 19-20 का बीमा नहीं मिला अभी। कौन सी फसल का था? सोयाबीन। तो अब क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं मिला? नहीं मिला है बीमा, जब फसल बीमा भी बढ़ते सब कुछ चल रहा बीमा का, जिसके बाद भी बीमा नहीं आया अभी तक। अच्छा, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, किसान सभी लोग परेशान हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।